हेलो पॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो भाइयों पहली अपडेट जो है वो हरजस की तरफ से आ रही है। तो भाइयों जैसे ही कल मैंने आप लोग को अपडेट दी थी कि हरजस का एक ट्रैक ड्रॉप होने वाला है जिसका नेम है पल भर, और ये होने वाला है ऋषि रॉय के साथ में। तो भाइयों ये गाना आ चुका है, आप लोग जाके सुन सकते हो हरजस के चैनल से, और इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रैक के बारे में बात करें तो बहुत ही प्यारा गाना है, आप लोग को जरूर सुनना चाहिए। हरजस ने बहुत ही अच्छा रैप करा है, सेंटी सा रैप है, और ऋषि रॉय ने भी सिंगिंग बहुत प्यारी करी है, उनकी वॉइस बहुत ही अच्छी लग रही है पूरे ट्रैक में। तो आप लोग को जरूर पसंद आने वाला है गाना, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो किंग की तरफ से आ रही है। तो भाइयों किंग की एल्बम का आखिरी ट्रैक ड्रॉप हो चुका है जिसका नाम है तू आके देख ले बाय किंग। तो ये ट्रैक आप लोग जाके सुन सकते हो, म्यूजिक वीडियो के साथ में ये गाना आया है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस एल्बम में से एक या दो ट्रैक होंगे जो थोड़े बहुत फीके पड़े, बाकी पूरी जो एल्बम है बहुत ही तगड़ी है, एकदम लेट एल्बम है। और इस ट्रैक के साथ में इस एल्बम की समाप्ति हो चुकी है। अब इस एल्बम में से आप लोग को कोई सा भी ट्रैक देखने को नहीं मिलने वाला है, अब सिंगल्स आएंगे किंग के या फिर उनकी नेक्स्ट एल्बम। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो मूफड की तरफ से आ रही है। तो भैया मूफड की जो ईपी आने वाली है उसका फर्स्ट ट्रैक ड्रॉप होने वाला है इसी हफ्ते, और गाने का नेम है आमीन। और कब तक ये ट्रैक देखने को मिलेगा, तो भाइयों आज वेडनेसडे हो चुका है, तो आप लोग को शायद फ्राइडे या फिर सैटरडे को देखने को मिल जाएगा ना। तो आप लोग को अपडेट तो मिल ही जाएगी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो कृष्णा की तरफ से आ रही है। तो भाइयों कृष्णा ने आज अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली है, और उसके कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वेलकम टू योर ओन डेथ 15 सितंबर 2020, और हैशटैग्स कुछ ऐसे हैं, हैशटैग रैप, देसी हिप हॉप, देसी रैप, और आखिरी जो हैशटैग है वो है फ्यूनरल सर्विस। तो कृष्णा का 15th को एक ट्रैक आने वाला है, अब वो कौन सा ट्रैक है नाम अभी फिलहाल नहीं पता है। इसके अलावा काफ़ी लोग गेस कर रहे हैं कि ये एक डिस्ट्रैक होने वाला है शायद एमवी के लिए, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक होगा, इसमें शायद काफ़ी हार्डकोर रैप सुनने को मिलेगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो आरसीआर की तरफ से आ रही है। तो भाइयों आरसीआर का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है सजदा, और उसका टीज़र आउट होने वाला है 6 सितंबर को, और पोस्टर आप लोग के स्क्रीन पर है। इसका आएगा आरसीआर के यूट्यूब चैनल से। तो ट्रैक की तो अभी डेट्स नहीं पता चली है, पर जैसे ही पता चलती है मैं आप लोग को बता दूंगा। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो कलमकार की तरफ से आ रही है। तो भाइयों एके प्रोजेक्ट्स ने आज अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली है, और इस मंथ के जितने भी गाने आने वाले कलमकार से उनकी डेट्स बताई है, और वो किस आर्टिस्ट का है वो भी बताया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले तो दीप कलसी और ब्रिशव का आने वाला है 4th को ट्रैक, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया जिगरी यार। दूसरा जो है वो जे ट्रिक्स का है, जो कि 8 सितंबर को आएगा। इसके अलावा जे ट्रिक्स की एक कंप्लीट ईपी भी आने वाली है कलमकार से। और कृष्णा के ट्रैक के बारे में बात करें जो कि 15th को आने वाला है, तो तीसरे नंबर पे वो है। चौथे नंबर पे है 47 का, जो कि 22 सितंबर को आने वाला है, और 5th नंबर पे कर्मा का, जो कि 29 सितंबर को आने वाला है। तो इसके बारे में अभी फिलहाल ज्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है। तो ये 5 सिंगल्स होने वाले जो कि कलमकार से आप लोग को इस महीने देखने को मिलेंगे, और इसमें से 2 आर्टिस्ट की ईपी भी आने वाली है, पहले है जे ट्रिक्स और दूसरा है 47। तो फिलहाल उसकी डेट्स नहीं पता चली है, पर जो इसमें डेट्स लिखी हुई है शायद उस पर आप लोग को ईपी भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी अपडेट्स आएगी मैं आप लोग को आगे की वीडियोस में बता दूंगा। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो इनोव्यूरा एंटरटेनमेंट की तरफ से आ रही है। तो भैया इनके लेबल से एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है जिसका नेम है एम बॉट, और ये है बैड किड्स का, जो कि एक डुओ है जिसमें इनसेन और अवी लिरिकल वीडियो के साथ ये गाना ड्रॉप हुआ है, और काफी अच्छा ट्रैक है, मेटाफर्स आप लोग को काफी ज्यादा सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा जो मिक्सिंग है उसमें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी है, बीट जो है वो वोकल से ज्यादा सुनाई दे रही है, जिस कारण से कुछ जो वर्ड्स है वो समझ में नहीं आ रहा है। बस यही एक चीज है जो कि गाने में मुझे सही नहीं लगी है, बाकी ट्रैक एक नंबर है, आप लोग सुन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो मुक्ता के की तरफ से आ रही है। तो भैया मुक्ता के ने आज अपने इंस्टाग्राम में क्यू एन ए रखा था, और उसमें उनसे पूछा गया एमवी के साथ कोलैबोरेशन के बारे में। तो उनका कुछ ऐसा रिप्लाई था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आई वांट टू मेक माय म्यूजिक रीच मिलियंस फर्स्ट, आई एम सेल्फ मेड एंड विल ऑलवेज बी, वंस माय म्यूजिक रीचेस दैट लेवल आई विल बी कोलैब विद हिम। तो आप लोग का इस चीज के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।